नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। किसानों को अपना परिवार कहने वाले आढ़ती एसोसिएशन आज किसानों के समर्थन में उतरे हैं। आज सिरसा की अनाज मंडी में किसानों के समर्थन के लिए आढ़ती एसोसिएशन ने पूरी अनाज मंडी में खुली दुकानों पर जाकर बंद करवाया तथा किसानों के समर्थन में किसानों के चल रहे आंदोलन में सहयोग करने के लिए कहा। वही आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हरदीप सरकारिया भी मंडी में मौजूद रहे और किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है उसी को लेकर उन्होंने सिरसा के उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा और आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान का किसानों के प्रति क्या संदेश दिया, सुनिए। आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर जो हरियाणा की सभी मंडियां हैं, सिरसा की टोटल मंडियां, चाहे सिरसा अनाज मंडी है, रानिया, जीवन नगर, एलनाबाद, डबवाली, कालांवाली, रोड़ी, डिंग, सिरसा जिला की सभी मंडियां आज बंद रख के किसानों के समर्थन के लिए उनको ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध में, जो उनके ऊपर अथरू गैस और ठंडे पानी की बिशारें करी गई हैं उसके विरोध में आज उनके समर्थन के लिए पूरे हरियाणा की अनाज मंडियां बंद रखी गई हैं। और आज हम एक जुलूस के रूप में अनाज मंडी को बंद कराते हुए डीसी साहब को जो हमारा ज्ञापन है वो सौंपेंगे। काले झंडे लगाकर मोटरसाइकिल और स्कूटरों पे हम एक जुलूस के रूप में जाएंगे और सरकार से ये हम अनुरोध करते हैं कि जो ये 3 काले कानून लाए हैं ये हमारे व्यापार को चौपट कर देंगे, हमारे किसानों को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि मैं यहाँ मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा और पंजाब में मंडीकरण सिस्टम है ये दुनिया का सबसे बढ़िया सिस्टम है। ये सर छोटू राम का बनाया हुआ 1935 का सिस्टम है। उनके समय में जो किसानों को लूटा जा रहा था उन्होंने उस लूट को रोकने के लिए एक मंडी में सरकारी अफसरों का जो उनके ऊपर निगरानी के लिए बनाया था उसी पैटर्न पे अनाज मंडियों में मार्केट कमेटी जो हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने बनाई है और इतने इतने बड़े जगह पे करोड़ों अरबों रुपया लगाकर हजारों एकड़ों में मंडियां काटी गई हैं और हजारों की गिनती में सरकारी कर्मचारी रखे गए हैं और हर मंडी में एक एक सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान खोली गई है। अगर किसी किसान को ये लगे कि मेरे माल का रेट सही नहीं लगता है, मेरे को कहीं मेरा ठगी हो रही है, मेरे साथ धोखा आ रहा है, तो वो सरकारी दुकान पे माल बेच सकता है। ये तो सरकार एक सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए एक ढकोसला कर रही है और हमारा जो नॉर्थ इंडिया का खुशहाल किसान है उसको बर्बाद कर रही है, उसको बर्बाद कर रही है। जिस तरीके से बिहार, यूपी और महाराष्ट्र का किसान बर्बाद हो चुका है, वहाँ मक्की का रेट 700-800 रुपये बिकता है, परमल वहाँ 1100 रुपये बिकती है, कोई MSP रेट पे नहीं बिकती है। और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट जो नरमे की सबसे बड़ी स्टेट है वहाँ सबसे ज़्यादा, अगर पिछले आंकड़े देखें 2014 से हर साल में 12 से लेके 13-14 हज़ार तक किसान आत्महत्या करता है। और मैं यहाँ बड़े दुख से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या होती हैं वो महाराष्ट्र में होती हैं। वहाँ आंकड़े आ रहे थे 37% वहाँ जो आत्महत्या होती हैं और सबसे कम जो किसान आत्महत्या करता है वो हरियाणा और पंजाब में करता है। तो क्यों करता है? यहाँ जो मंडीकरण सिस्टम है, फसल बेचने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका सरकार ने बना रखा है। दूसरी बात, हमें बिचौलिया कहा जा रहा है। मैं यहाँ आप पत्रकार भाइयों को और सभी को बताना चाहता हूँ कि हम कोई बिचौलिए 2 नंबर के चोरी के माल में नहीं बने हुए हैं। हम यहाँ पर जो सरकार द्वारा दिया हुआ लाइसेंस है मार्केट कमेटी का, हम फीस भरते हैं और सरकार की निगरानी में ये काम करते हैं, आर्थ का काम करते हैं। कोई हम घरों में जाकर किसानों के साथ ठगी नहीं करते हैं। और 2014 से आज तक हमारी हरियाणा जो मंडियों के आढ़ती हैं 600 करोड़ रुपया हमारा खरीदारों की तरफ डूब चुका है, जो सरकार हमें कोई सहयोग नहीं दे रही, परंतु एक भी किसान का पैसा आज तक हरियाणा में नहीं डूबा है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर डूबा है तो वो हमें हरियाणा सरकार बताए कि इस आढ़ती ने पैसा इस किसान का खाया है। तो मैं यह आज बड़े दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि सरकार ने जो हमारा हरियाणा पंजाब का सिस्टम, आढ़तियों का सिस्टम, किसानों को जो एक खुशहाली का रूप दिया गया है उसको बर्बाद करने के लिए ये कानून लाए हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और आज हमने एक दिन के लिए पूरे हरियाणा में सांकेतिक हड़ताल रखी है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो पूरा हरियाणा की मंडियाँ अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी जाएंगी, जितनी देर तक ये
हमारा मांगे नहीं मानी जाती, तीनों काले कानून नहीं वापस लिए जाते और किसानों पे बने हुए जो केस है वो वापस नहीं लिए जाते। किसान एकता, व्यापारी एकता, मोदी सरकार।